प्रणाम। कितना जल्दी एक सप्ताह बीत गया। कल रेगुलर डे होता तो सब अपनी क्लोजिंग में व्यस्त रहते और आज इकोनॉमिकल न्यू ईयर की शुरुआत करते। हमें भी कुछ चीज़ें टैली करनी है, जैसे कि पिछले एक हफ्ता में हमारा आध्यात्मिक विकास कितना हुआ, ये बात आप ज़रूर टैली करना। आज हमारे थाना के माँ बेटे का अनुभव बताना चाहती हूँ। करीबन 16-17 साल का बेटा, लाइफ में कभी आईएमबिल का तप नहीं किया और आज वो बेटे ने दूसरा आईएमबिल भी कर लिया और उसकी माता ने आईएमबिल की रसोई भी सीख ली। कहते हैं ना, अनुकूलता में तप करे उसे आराधना कहते हैं और प्रतिकूलता में तप करे उसे साधना कहते हैं। इनकी मम्मी को और बेटे को, दोनों को तहे दिल से धन्यवाद है, क्योंकि ऑडियो सुन सुन के माता ने ये पॉजिटिव एनर्जी अपने पूरे परिवार में स्प्रेड की है एवं सभी साधक आत्माओं को तहे दिल से वंदन करके शाता पूछते हैं। तीन प्रोफेसर की पत्नियों ने चर्चा शुरू की और पूछा कि किसके पतिदेव ज्यादा भुलक्कन है। एक ने कहा, मेरे पति घर पर आते और इधर उधर देखते कहते हैं, ये किसका घर है, 20 साल से रहते अपने घर को भी वे भूल जाते हैं। दूसरी बीवी ने कहा, ये तो ठीक है, एक बार तो मेरे पति कोट भूल गए तो उन्हें देने में पीछे गई तो मुझे पूछा, बहन आप मेरा पीछा क्यों कर रही हो। अरे बाप रे, लो देखो, कल ही शादी की सिल्वर जुबली सेलिब्रेट की और आज भूल भी गए कि मैं आपकी पत्नी हूँ। देखा, वो तो अपने स्वजन को ही भूल जाते हैं। तीसरी ने कहा, वो भी ठीक है, मेरे घर बैल बजी, किचन में थी तो बिना देखे कह दिया, मेरे पति कॉलेज में है, अब जो कोई हो बाद में आना। तो कहा, ठीक है बाद में आता हूँ। आवाज सुन के तो पति की आवाज लगी, दरवाजा खोला तो देखा खुद पतिदेव सामने खड़े थे। देखा, मेरे पति तो खुद अपने आप को ही भूल जाते हैं। हंसने की बात यह है कि हमारे में तो तीनों के तीनों प्रोफेसर बसते हैं। अपना घर जहाँ कायम स्थिर रहना है वो है मोक्ष। अपने रियल स्वजन क्षमा सरलता विनय और अपनी रियल पहचान है सिद्ध मुक्त अविनाशी अमर अनंत शक्ति से भरा आत्मा। अब बताओ, हमें ये तीनों में से कौन सी बात याद आती है। शाश्वती ओली का आज का दिन, सिद्ध पद का दिन, अपने सच्चे घर स्वजन और अपने स्वरूप को पहचानने का दिन है। आठों कर्मों का नाश करके हमें निगोद में से व्यवहार राशि में लाने वाले आठ गुणों से युक्त सिद्ध परमात्मा के चरणों में कोटि कोटि वंदना। मैना सुंदरी, जो सिर्फ कर्म सिद्धांत को पढ़ा ही नहीं था पर उन्होंने अपने जीवन में भी घूटा था। क्रोधित पिता ने उंबर राणा से अपनी बेटी मैना सुंदरी की शादी करवाने का निश्चय किया। विवेकी उंबर राणा ने कहा, दासी दे देते पर कौवे की डोक पे रत्नों का हार शोभा नहीं देता। राजा ने कहा, वैसे भी मेरी बेटी अपने पिता के उपकारों को तो मानती नहीं है, उसके लिए तो कर्म ही सब कुछ है। तो फिर आप भी उसे कर्म से मिले हो और आगे का जीवन भी उसके कर्म के हिसाब से ही वो भुगतेगी। मैना ने विवेकपूर्ण उंबर राणा का हाथ पकड़कर पानी ग्रहण किया। एक और सुरसुंदरी और अरिदमन राजा की शादी के लिए राजा ने पंडितों से मुहूर्त मांगा तो पंडितों ने कहा, आज के श्रेष्ठ दिन के मुहूर्त में तो मैणा ने ही शादी कर ली। सुरसुंदरी को शादी करवा के बहुत सारा दहेज देके उन्हें आशीर्वाद देके विदा किया। यहाँ प्रजाजन शैव धर्म की प्रशंसा कर रहे हैं और दूसरी ओर जैन धर्म की निंदा कर रहे हैं, पर मैणा ने धर्म को रग रग में घूटा था, वो स्वस्थ रही। मैणा अपने पति के साथ दादा ऋषभ देव के मंदिर में भक्ति करने गई। अद्भुत भक्ति के फल स्वरूप प्रभु के कंठ की माला और हाथ में रहा फल उछल कर आया और उंबर राणा ने उसे ग्रहण किया। तत्पश्चात पूज्य आचार्य भगवान मुनि सुंदर सुरेश्वर जी महाराज साहब के प्रवचन के पश्चात मैणा ने अपने पति के कुशल आरोग्य के लिए पूछा तो गुरुदेव ने कहा, मंत्र तंत्र देना साधु का धर्म नहीं है, पर उनके श्रावक का भविष्य उन्नत देखते हुए गुरु भगवंत ने कहा, ओली का नौपद की आराधना करो और उसकी विधि बताई। भावपूर्वक आसो मास की ओली की आराधना करके नौवे दिन सिद्धचक्र जी के पक्षाल से उंबर राणा और 700 कोढ़ियों का रोग दूर हुआ
उसी दौरान उंबर राणा की माता, जो उनके रोग की दवा ढूंढने उनसे दूर थी, वे भी गुरु के प्रवचन से उन्हें वापिस मिले। और एक दिन जो मैणा की माता रूठ के अपने मायके चली गई थी, वो भी प्रभु भक्ति करते वक्त इन तीनों को मिली और अपने जमाई को रोग मुक्त देख वे भी खुशी से नाच उठी। देखा, राजमहलों में रहने वाले को जब खच्चर पर बैठकर विदा होना पड़ा ना, तब भी उसका मन स्वस्थ था और धर्म से उसका मन जरा भी चलायमान नहीं हुआ, क्योंकि उसे परमात्मा के वचनों पर श्रद्धा थी। उसमें विनय रग रग में बसा था, इसीलिए अपने पिता के खिलाफ भी उसे क्रोध नहीं आया और रात और दिन अपने बीमार पति की सेवा और व्यावच करने में उसने एक भी कसर कमी नहीं रखी। निर्जरा हेतु अभ्यंतर तप का यही एक प्रकार है, जो है विनय और व्यावच। जो ओली करने से कोढ़ जैसा भयंकर रोग यदि भाग सकता है, तो साधक आत्मा के सामूहिक बल से कोरोना कौन सी बड़ी चीज है। बस जरूरत है विवेकपूर्ण अपने घर में रहकर ही जबरदस्त नौपत जी की भक्ति करे, यही मंगल कामना है। आगे हमारे ऑडियो का इंतजार करना।